ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है, द वैल्यू ऑफ 512 होल टू द पावर -2/9, तो इसका वैल्यू मंगा है और हम इसे तो माइनस तो होता नहीं है कहीं पे, बट यहाँ पे माइनस हम लोगों को कोशिश ये करना है कि माइनस इंडेक्स में कभी माइनस नहीं होता, अगर होता है तो उसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ ये देखिए -2 ही है। तो देखते हैं, पहले कोशिश करते हैं, -2/9 है। आप लोग पढ़े हो स्क्वायर एम्थ रूट ऑफ एक्स इजिकल टू x^1/m, समझ में आ गया? ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हो, तो ऐसे ही हम लोग इसका कुछ उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं 512 किसका कितना पावर है, किसका ये पावर बनता है। तो इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 2 2 जा 4, 1 बच गया, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 256। ओके, फिर ये 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 6 जा 2 4 जा 2 32, फिर हो गया ये आपका 2 16, फिर हो गया 2 8 2 4 2 2। ओके, तो 2 का कितना पावर हो गया, ये 2 का कितना पावर, जितना नंबर ऑफ 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9। तो हम लोग देखे 512 कैन बी रिटर्न एज 2^9। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोला 512, ओके, 512 होल टू द पावर -2/9। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा देते हैं, 2^9 होल टू द पावर -2/9। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को बताया गया था फॉर्मूला यहाँ पे, a^m होल टू द पावर, अगर मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये 1/n हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका a^m/n, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2^9 × -2/9, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2^-2 ही बचेगा। ओके, तो 2^-2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और ऐसी होता है, मैं आपको बता दूं, x^-2 है तो ये हो जाएगा आपका 1/x^2, माइनस का वैल्यू प्लस हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2^-2 के जगह में +2 हो गया, वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1/4 हुआ। अगर ऑप्शन में है तो यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी हुआ। समझ में आ गया ना कैसे किया जाओ? अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और फिर से देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 64 होल टू द पावर -2/3 एंड 27 होल टू द पावर -2/3 है, दोनों का उतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूँ, एक फॉर्मूला होता है a^m × b^m, दोनों का पावर बराबर हुआ, यानी कि इंडेक्स बराबर हुआ, बेस अलग अलग है, तो ये होता है आपका ab^m होता है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप जो आपको ठीक लगे उसी हिसाब से सॉल्व करना। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 64 होल टू द पावर
माइनस टू अपन थ्री है इंटू 27 होल टू द पावर माइनस टू अपन थ्री है। इस फॉर्मूला के तहत भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमको तो पता है 64 को हम लोग पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, 27 को पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस टू बचेगा। तो आपको तो पता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ओके। तो 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर माइनस टू अपन 3 है, तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस टू अपन 3 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 टू द पावर 3 इंटू माइनस टू अपन 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, थोड़ा सा ये इजी हो गया। अब ये बन जाएगा आपका 4 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस 2। तो ये फॉर्मूला अब लगाते हैं, ये फॉर्मूला का उपयोग करते हैं आप। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3 होल टू द पावर माइनस 2, तो ये हो गया आपका 12 टू द पावर माइनस 2। तो मैंने आपको बताया था x टू द पावर माइनस n है, तो ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह तो उस फॉर्मूला के तहत ये हो जाएगा 1 अपॉन 12 टू द पावर 2 यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये इसका 12 का स्क्वायर हम लोगों को तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं किए हो तो आप निकाल सकते हो, 12 जा 144, तो 1 अपॉन 144 ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है कर्ली ब्रैकेट फिर देन कॉल ब्रैकेट है 64 होल टू द पावर 2 अपॉन 3 होल टू द पावर 1 अपॉन 2। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 64 होल टू द पावर 2 अपॉन 3, उसका फिर होल टू द पावर है 1 अपॉन 2, ओके। तो सीधी सी बात, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a टू द पावर m होल टू द पावर n का क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए इजीली। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 टू द पावर 3 क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 टू द पावर 3 और फिर ये जो पावर है इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप में क्या होता है, 4 टू द पावर 3 होल टू द 2 अपॉन 3 लिखते, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वाला, क्यों ये आपको बता दिया गया, इसके तहत होता है, इस फॉर्मूला के तहत। फिर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको, क्योंकि ये दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा ना इसके बाद। तो ज़्यादा हम लोग स्टेप ना बढ़ाते हुए क्विकली भी ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने माइंड पे कर सकते हैं। 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, ठीक है। 3 के नीचे 1 होता है ना, तो अब यहाँ पे 4 टू द पावर 1 ही बचा जिसका वैल्यू होता है 4, तो इसका वैल्यू होगा नंबर 15 का 4 होगा, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। कितना इजी नंबर है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे पावर जीरो रहता है वो सबसे इजी होता है। तो ये क्या है, हम लोग पढ़े हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला, एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ये एक्स क्या है, कोई भी न्यूमेरल हो या लेटर, ए टू द पावर जीरो भी है तो वो 1 होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5 टू द पावर 10 आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पावर कितना है, 0 है। तो मैं आपको बता दूं इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू द पावर 10 इंटू 0 होगा, 5 इंटू 10 इंटू 0, तो 10 इंटू 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको आप धड़ाक से यही ऑप्शन आप पे टिक लगाओगे 1 पे, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, पावर 0 है तो 0 होगा, ऐसे नहीं होता, पावर 0 होने पर उसका वैल्यू 1 होता है। तो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है देखो, द वैल्यू ऑफ 3² + 4² होल टू द पावर 1/2। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे प्लस होता है, हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड में ही अप्लाई कर रहे थे, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ज़्यादा बड़ा नंबर तो है ही नहीं, छोटा नंबर है, तो वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, मैं 9 लिख रहा हूँ डायरेक्टली। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 लिख लेता हूँ डायरेक्टली। अब इसका पावर क्या है, 1/2 है। ये हम लोग सॉर्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले इसका निकाल लेता हूँ। ये हो गया 25, 16 + 9 कितना, 25 होल टू द पावर 1/2। तो हम लोग चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिख सकते हैं इसको, और हम लोग इसको बता सकते हैं ±5 इसका आंसर है। तो या फिर आप दूसरा मेथड में क्या करोगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25, उसका पावर है 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली 5 होल टू द पावर 2 × 1/2, तो ये आपका कैंसिल हो गया, वही आंसर निकला कि नहीं। तो आपको दो तरीके से कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ये सॉर्ट का फॉर्मूला हो गया, ये पावर इंडेक्स में हो गया आपका, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 5। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे, उसे वैसे ही सेम नंबर से, ये क्या है नंबर्स, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। आपको स्क्वायर टेबल कम से कम 30 तक का याद करना पड़ेगा। इसका पावर बोला है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 25 + 144 कितना होता है, 5 + 4 हो गया 9, और 4 + 2 = 6, और ये 1 169 होल टू द पावर, यानी कि पावर 1/2। हमको तो पता है 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये आपका मल्टीप्लाइड हो गया। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला को बार बार आप नहीं बता रहा हूँ, वही सेम फॉर्मूला है, a^m होल टू द पावर n, तो a^m × n होता है, ठीक है। तो दो दो कैंसिल हो गया, ये वाला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, तो ये हो गया आपका 13 आंसर। ओके, करेक्ट हो गया ये आंसर। तो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 19, अब 3 संख्याओं को दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 1³ + 2³ + 3³ होल टू द पावर 1/2। जितना भी दिया हो हमको आसानी से इसको करना है। 1³ कितना होता है, 3 × 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस 2³ यानी कि 2 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 3 को 3 times मल्टीप्लाई करना है, 3³ = 9, 9³ = 27। अब इसका पावर है 1/2, तो 1 + 8 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 + 27 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 to the power 1/2, हमको तो पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 6² = 6^2 × 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर निकला 6। ऑप्शन में है कि नहीं चेक करते हैं, ये ऑप्शन में है यहाँ पे, तो करेक्ट कैसे मिला पता चल गया। नेक्स्ट नंबर पे चलते, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है ये, द वैल्यू ऑफ x^5/7 / x^12/7। तो आपको तो हम बताए थे a^m / a^n है, बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो a^m - n होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, x^5/7 - 12/7। तो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, इजीली आप माइनस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x^5 - 12/7। न्यूमिनेटर बराबर होने पर उतना ही होता है, अगर अलग है तो एलसीएम निकालना, एलसीएम मेथड से माइनस करना। अगर ये आपको करना नहीं आता है फ्रैक्शन का माइनस, तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 5 - 12 कितना हो गया, -7। तो x^-7/7 कैंसिल, तो x^-1 बचा, तो x^-1 = 1/x।
कोशिश करेंगे हमेशा जो इंडेक्स आ रहा है पावर वो माइनस ना हो। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है कि नहीं है। यस, यहाँ पे है ऑप्शन। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो भी नंबर समझ में नहीं आया है आप उसको बैक करके वीडियो को एक बार दो बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। थैंक यू।